वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया स्टाइल। तो आज मैंने जो लुक क्रिएट किया है ये है एक सिंपल सा लुक, ट्रेडिशनल लुक है विथ जंग ज्वेलरी। तो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जाके देख लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं CTM कर चुकी थी, अब मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन लोटस का। ये SPF 30 है, आप चाहे तो 50 भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बाहर जा रहे हैं तो 50 यूज़ करें। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, ये यूरोपाल का प्राइमर है। प्राइमिंग के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। आज मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ करने नहीं वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर यूज़ किया जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। अब मैं कंटूरिंग स्टिक से कंटूरिंग कर रही हूँ। मैंने कंसीलर मेबलिन का यूज़ किया है और ये कंटूरिंग स्टिक भी मेबलिन का ही है। अब मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ ये नायका का लिपस्टिक। अब चाहे तो कोई भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए ब्लेंडिंग होने के बाद एक नेचुरल लुक आ रहा है। मैं करूँगी कंसीलर को सेट, क्योंकि कंसीलर को अगर सेट ना करे तो क्रीज लाइन दिखेगा, फिर वो क्रैक क्रैक क्रीमी क्रीमी लगेगा। तो मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर है NC35 शेड। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ये लॉरियल का आईब्रो किट है। मैं एक एंगल ब्रश लेके इसके साथ इसके हेल्प से अच्छे से फिल कर लूँगी, और एंगल ब्रश के पीछे जो कोम्ब होता है उससे मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दूँगी कोम्ब करके। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैंने एले कलर का कंटूरिंग जो ये किट रहता है वो पैलेट, उसमें कंटूरिंग ब्लश और हाइलाइटर तीनों रहता है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं उसी में से ब्लश ऑन भी यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे आपको कंटूरिंग और ब्लश ऑन की ज़रूरत है आप वहाँ वहाँ पे कंटूरिंग और ब्लश ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने मॉर्फी का आई पैलेट लिया है। एक साइड में आई मेकअप कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं करूँ पहले अपनी क्रीज लाइन पे एक लाइट ब्राउन शेड अप्लाई की हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडिश कलर के अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं एक येलो कलर लेके अपने इनर कॉर्नर से लेके लिप तक ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल के लिए मैंने NYB का काजल अप्लाई किया है। अब मैं नीचे का जो लैश लाइन है वहाँ पे भी थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई करूँगी, येलो और ब्राउन शेड। अब मैं लिप को थोड़ा सा लिप बम लगा ले रही हूँ, हाइड्रेट कर रही हूँ। ये कलर बार का लिप बम पैलेट है, ये भी बहुत अच्छा लिप बम पैलेट है, इसमें तीन शेड रहता है। अब मैं लिपस्टिक के लिए आई एमस्टर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और हाईलाइटर के लिए मैंने अप्लाई किया है वेट एंड वेल्ड का हाइलाइटर। इससे मैं अच्छा अप्लाइंग हाइलाइटर। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा के लिए मैंने मेबलिन का ही मस्कारा अप्लाई किया है, और हाइलाइटर जहाँ जहाँ चाहिए था मैं वहाँ अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं फिक्सर अप्लाई करूँगी। फिक्सर के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का फिक्सर अप्लाई किया है, और मेरा बेबी का साउंड आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। दिस इज माई फाइनल लुक, येलो ड्रेस एंड येलो आई मेकअप, रेड टचिंग एंड सिंपली रेड टचिंग। और आई हैव यूज दिस लिपस्टिक, दिस इज आई एमस्टर लिपस्टिक, दिस शेड। दिस लिपस्टिक्स आर वेरी गुड, प्राइस ओनली 199। बट कभी कभी क्या होता है, एक के साथ एक फ्री भी आ जाता है, तो पर्पल पे ये ऑफर हमेशा मिलते रहते हैं। तो यू कैन सॉरी अगर आप बिगनर हो तो ये लिपस्टिक यूज़ कर सकते, बहुत ही अच्छा है। देखिए कोई भी ये नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस। तो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया आप लोग तो देख लिए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो जो अभी नए हैं मेरे चैनल के, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द रेड बेल आइकन, सो तब नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा जो भी मैं वीडियो डालूं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ रहिए, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारा मेकअप है, जल्दी जल्दी लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।